लुका रचन सुसमाचार 19 अध्याय 25 और 26 वचन। उन्होंने उसे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यहाँ इस दृष्टांत में एक मनुष्य जो मालिक के बारे में कहा गया है, उसको यीशु मसीह को तुलने के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। इस मनुष्य राज्य को प्राप्त करने के लिए दूर देश में गया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को प्राप्त करने के लिए वो स्वर्ग में गए हैं। वो एक दिन वापस आने वाले हैं। वो आके हमसे लेखा लेगा, उसको भी इस दृष्टांत में हमें पता चलता है। और देखिए 15 वचन में, एक एक लोहों को एक एक मोहरे दिया गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब के लिए एक मौका को दिया है। इसी के द्वारा हमें ये पता चलता है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई और धन दौलत और मौके, कितनी सारे वरदान को दिया है। ये सब जो है एक मौका के रूप में प्रभु दिया है। उस वचन में देखते हैं, उस मोहरों को उन्होंने बेचा और व्यापार किया। वैसे ही जो कुछ परमेश्वर जो वरदान दिया है, उसको शुभ संदेश को फैलाने के लिए हमें उसको काम करना है। इसलिए मेरे प्यारों, जो परमेश्वर हमारे लिए एक मौका के रूप में जो वरदान को दिया, धन दौलत को दिया, जो पढ़ाई को दिया है, उसके रख के क्या परमेश्वर के कार्य के लिए हम काम करते हैं? उसकी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाते हैं? एक एक दिन जो परमेश्वर अनुग्रह से दिया है, उसे हमें जान के काम करना है। इसलिए इस पर ध्यान देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितने दिन कितने काम किए हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जो परमेश्वर ने धन दौलत दिया, बुद्धि दिया, पढ़ाई दिया, अच्छे कलीसिया में प्रभु हमें रखा है, इसके द्वारा परमेश्वर के लिए क्या किए हैं, उसको एक दिन परमेश्वर आने के वक्त में हमें लेखा देना होगा। हमें यह याद रखना है, एक एक मिनट के लिए, एक एक घंटे के लिए, एक एक दिन के लिए परमेश्वर हमें लेखा लेंगे। उस पर हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो कुछ वरदान को, जो धन दौलत को, मौका को और पैसा को जो परमेश्वर दिया है, उसको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करने के लिए कोशिश करना है। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर आने के वक्त में हमें उसके सामने खड़े होना है, उसके लिए तैयारी करना है। हम अपने आप को तैयारी रखना है। हालेलुया, हालेलुया।